ये कोच शब्द इंग्लिश का है जो भारत के बच्चों ने मुंह का छाप पड़े बूढ़े बोल गए। अगर तुम्हारी विद्या में दम है तो तुम हिंदी के शब्द बोल के दिखाओ ना, बहुत कठिन है हिंदी। बाईस के अंग्रेजी का शब्द है और जहां हिंदुस्तान में बड़े बूढ़े बाईस के कहते थे हैं? रोड सब कहते हैं, रोड हिंदी में कहते हैं सड़क और सब रोड ही कह रहे हैं। तो भारत हमारा हमेशा आगे रहा। ऐसे ऐसे छत्री महान पुरुष हो गए जब भारत की धरती पर इसका सामना विश्व में नहीं हुआ, लेकिन क्षमता गिरी है तो अब गिरी है। तुम्हें पता है हमारे भारत के संत थे स्वामी दयानंद, मैंने कई बार भागवत में बताया, स्वामी दयानंद जी जिनके नाम के सामने सरस्वती शब्द लिखा जाता था। तो स्वामी दयानंद ने जिस समय शरीर की परपौरता प्रकट की थी भारत में और विदेशों में जब नाम हुआ उनका, तो एक रूस का पहलवान आया था। क्या मैंने सुना है कि कोई दयानंद नाम का महात्मा वो बहुत बलवान है? तो कुश्ती लड़ने के लिए हाथ लगाया स्वामी जी से आकर। स्वामी जी ने कहा भैया हम कुश्ती लड़ना तो जानते ही नहीं, कि हमने तुम्हारा नाम सुना है। स्वामी जी स्नान करके आ रहे थे नदी से, लंगोटी पड़ी हुई थी कंधा पे, तब उस पहलवान से कही कि जब लंगोटी या निचोर के तू दो बूंद पानी लगा दे सोई मैं अपनी हार मान लूंगा। बाहर संत वो पहलवान जी भाई थे मर गए पर पानी की बूंद नहीं। अम मोदर वो लंगोटी हाथ में पकड़ के और कस के दाब दी, दो बूंद पानी धरती बदल गया। ये थे भारत की पहचान। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है तुमने? अमेरिका में गए थे शिकागो में और जिस समय भाषण दिया था उन्होंने, तो एक अमेरिका के व्यक्ति ने कह दिया स्वामी विवेकानंद से कि तुम्हारे भारत में तो मूर्ख रहते हैं, यह तो मूर्खों का देश है भारत। स्वामी जी बोले क्यों? कि हमने सुना है कि 16,000 औरत और एक कन्हैया के पीछे भाग गई, क्या पागलों का देश नहीं है? स्वामी जी की नेक देख ठहर जाए और जिस समय वो मंच पर भाषण देने खड़े हुए काय के ऊपर बोले पता है जो जीरो होता है शून्य, इस शून्य के ऊपर भाषण देते रहे, जनता को बैलिंग कर दिया अपने से। और जब स्वामी जी मंच पर उतर के चले तो जितनी जनता ही सब पीछे चल गई, उन्हें ठहर जाओ वो तो संसार का 14 भवन का स्वामी था, 64 विद्याओं का स्वामी था, बाकी पीछे में 16,000 भाग गई, मैं तो एक उसके तिनका के बराबर नहीं हूं, तुम क्यों भाग रहे हो पीछे? तब उन्होंने कि बाबा जी हमें पतो ही ना लो कि हम ठाड़े के चल रहे हैं, तो एक साधु की बारी के पीछे जब तुम्हें अपना होश नहीं है तो वो तो 14 भवन का ब्रह्म था। पता है पागलों का देश बता रहे। और जब स्वामी जी अमेरिका की गलियों में चले थे शिकागो में, एक वैश्या बैठी थी दरवाजे पर, सोच देखना उसकी सोच क्या थी। वो वैश्या बोली क्या मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। रोड पर विवेकानंद खड़े थे चौखट पर, वो वैश्या खड़ी थी, क्या सिचुएशन थी उस समय, विवाह करना क्यों चाहती हूं? क्या मैं इसलिए विवाह करना चाहती हूं कि मेरे कोख से तुम जैसा बेटा पैदा। विवेकानंद जी बोले कि चिंता मत करो, जाके मैं शादी की आवश्यकता नहीं होगी, इस काम के लिए तुम्हें शादी की जरूरत नहीं है, तुम आपकी वो अपने बेटे ही मान लो। ये थे विवेकानंद, इस भारत के वो संत थे और आज भी वो थे भारत के संत स्वामी दयानंद और विवेकानंद जैसे, जिन्होंने अपनी छाप को अमेरिका जैसे साम्राज्य में स्थापित कर दिया। और आज भर कन्हैया और अनिरुद्ध को भेज रहे बेटा पता लगा करके आना।